Good morning, everyone. Hope so that you all are fine at your house. So we have already started our chapter number 15. Am I right? And now we are going to start with the components of the map. So इससे पहले के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल की ग्लोब क्या है. ग्लोब के डिसएडवांटेजेस क्या है कि वी आर नॉट एबल टू शो अ वेरी स्मॉलर एरियाज, वी आर नॉट गेटिंग द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. सो फॉर दैट वॉट इज द ओनली एंड ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर अस, दैट इज मैप. एंड इन मैप ऑल्सो वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ मैप, विच आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थेमेटिक मैप. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पॉलिटिकल मैप में क्या आएगा. पॉलिटिकल मैप मीन्स द मैप विच आर हैविंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड द कैपिटल्स, मेजर टाउन्स एंड सिटीज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप के अंदर लैंड फॉर्म्स आएंगे. लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट लाइन्स, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड सीज. एंड इन थेमेटिक मैप इट इज यू कैन डिजाइन योर थेमेटिक मैप एंड इट इज ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एन एनी स्पेशल थीम. आप अपनी कोई भी पर्टिकुलर थीम के ऊपर ये कर सकते हो, लाइक पॉपुलेशन है और यू कैन से रेनफॉल, क्रॉप्स, मिनरल्स. यू कैन डू थेमेटिक मैप ऑन एनी ऑफ इट. मूविंग फर्दर टूडे नाउ वी विल स्टार्ट विथ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप. सो वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैप. मीन्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैप का मतलब है दैट अगर एक मैप है तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है. मीन्स अ मैप इज इनकम्प्लीट विदाउट ऑल दिस कंपोनेंट्स एंड विच आर दे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. एवरी मैप शुड हैव सर्टेन कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस इन इंटरप्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली. मतलब कि सारे मैप के पास ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे हम बहुत ही ज़्यादा इजीली मैप को समझ सके. दिस एसेंशियल कंपोनेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो. सबसे पहला है टाइटल. सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैप कन्वेज एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ बींग रिप्रेजेंटेड वी गिव द टाइटल टू द मैप. मतलब आप कोई भी मैप ले लो, इफ़ यू टेक एनी ऑफ द मैप देर शुड बी वन टाइटल. उसका टाइटल होना जरूरी है बिकॉज इफ देर वॉन्ट बी एनी टाइटल वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैप इज ऑफ विच थिंग और इट इज बीन रिप्रेजेंटिंग विच एरिया और विच पार्ट ऑफ द अर्थ. सो टाइटल इज रियली वेरी मच कंपल्सरी. Moving to the scale. So now what is scale? Scale is the portion or the ratio between the distance on the map and the corresponding distance on the ground or on the scale or on the earth surface. मतलब कि आप समझ लो, अगर मैं आपको एक example दे रही हूँ तो अगर आपको मोरबी से अहमदाबाद जाना है तो आप अगर normal way में measurement करोगे तो 120 kilometers होता है approximately, okay? तो अगर यही चीज़ मुझे map में draw करनी है तो मैं क्या 120 kilometer बड़ा map बना सकती हूँ? नो, इट वोंट बी पॉसिबल. सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज स्केल. स्केल है कि वो एक रेशियो है, इट इज़ बीन अ रेटियो टू कि जो ओरिजिनल डिस्टेंस है दो चीज़ों के बीच का, दो जगहों के बीच का, उसका हम एक रेशियो निकाल कर हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लगा रहे हैं. लाइक एक सेंटीमीटर मतलब कि 200 मीटर हो रहा है या 300 किलोमीटर हो रहा है. अगर मैं एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रही हूँ तो 120 किलोमीटर हो रहा है, 100 किलोमीटर हो रहा है. सो इट विल बी नोन एज अ स्केल. अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स अ लार्जर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्केल और द वैल्यूज. मतलब कि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस जो मैप में है वो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस दिखाएगा ओरिजिनल में, एक्चुअल डिस्टेंस में. दिस इज द वे द स्केल वर्क्स. ऐसे स्केल काम करती है. स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री वेज. कौन से तीन वेज है, वी विल हैव अ लुक ऑन इट. स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट. आप एक स्टेटमेंट के तरह लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 1 centimeter इज इक्वल टू 200 मीटर. मतलब कि द डिस्टेंस ऑफ 1 centimeter ऑन द मैप वो इक्वल है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 200 meter ऑन द ग्राउंड. मतलब अगर ग्राउंड में आप 200 meter जाओगे मतलब आप मैप ने 1 centimeter गए हो. बेस्ड ऑन द स्केल मैप कैन बी डिवाइडेड इंटू टू थिंग्स.
large scale maps and small scale maps. So study the maps given in the geography in detail. So first of all, we will understand what are the large scale maps and small scale maps and what is the difference between them. A scale on a map can also represent as a representative fraction. So ये दूसरा way है scale को represent करने का. पहला था statement, दूसरा है representative fraction. तो यहाँ पर हम fraction के way में दिखाएंगे. This is a fraction in which numerator, मतलब कि जो ऊपर रहता है numerator, is the distance. ये मैं अभी आपको explain करती हूँ small scale और large scale. पहले ये तीनों ways बता दूँ. Numerator जो है वो डिस्टेंस ऑन द मैप बताएगा और डिनोमिनेटर जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा. लाइक दिस, 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड. मतलब कि 1/10,000, मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप मीन्स 10,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड. मतलब कि जो मैप में दिखाना है वो ऊपर लिखेंगे और जो ओरिजिनल एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. एंड द थर्ड वे है स्केल का, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटेड एज अ लीनियर स्केल मीन्स अ डिवाइडिंग लाइन. हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसके हम इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं. ईच पार्ट रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड लाइक इट इज बीन शोन ओवर हियर. तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि ये लीनियर स्केल क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीनियर स्केल में यहाँ पर हमें दिया है 1 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर दिया है 9 किलोमीटर. सो दिस आर लाइक दिस. तो मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर जो ये एक डिस्टेंस दिखा रहा है 0 से 1 का, उसका मतलब है 1 किलोमीटर. यहाँ पर किलोमीटर में डिस्टेंस है, सो 1 सेंटीमीटर टू टेक 1 किलोमीटर. यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट 150 किलोमीटर ही डालेंगे, सो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर और 150 किलोमीटर तक वो जा रहा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट दी लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स. सो सबसे पहले जो लार्ज स्केल मैप्स है विच आर दिस वन. सो द लार्ज स्केल मैप गिव्स द मोर डिटेल ऑफ द स्मॉलर एरियाज. लार्ज स्केल मैप जो है वो ज्यादा डिटेल देगा और छोटे एरिया की डिटेल देगा. जैसे कि 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप मतलब कि 50 किलोमीटर होते हैं. सेम वे में स्मॉल स्केल जो है वो कम डिटेल देगा लेकिन पूरे वर्ल्ड की देगा. एरिया बड़ा होगा, डिटेल कम. इसमें डिटेल ज़्यादा, एरिया छोटा. यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 140 किलोमीटर है. यहाँ पर आप देख रहे हो मतलब कि ये जूम्ड है, हमारा तमिलनाडु की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही है. वेयर इज इसके अंदर ये स्मॉल स्केल है, ये डिस्टेंस ज़्यादा ले रहा है, इन्फॉर्मेशन कम दे रहा है. ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है, एरिया कम ले रहा है. समझ गए आप व्हाट इज इट. मूविंग फर्दर नेक्स्ट वन इज कॉम्पोनेंट. सबसे पहला कॉम्पोनेंट कौन सा था हमारा, टाइटल. दूसरा था स्केल. अभी तीसरा है इंडेक्स. इंडेक्स और आप कह सकते हो लेजेंड. इंडेक्स और लेजेंड ऑफ अ मैप गिव्स द की टू द सिंबल्स यूज्ड ऑन द मैप. दिस सिंबल्स हेल्प टू अवॉइड लेबलिंग द मैप विद फुल नेम्स एंड टू मैनी डिटेल्स. अभी ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स का मतलब है कि नीचे जो एक छोटा सा बॉक्स दिया गया होता है रिगार्डिंग टू दी डिटेल्स कि इसका मतलब ये होता है, इस कलर का मतलब ये होता है, लाइक दैट. तो वो है हमारा इंडेक्स जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जगह जो है वहाँ पर ये चीज़ें हैं. और ये करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे मैप में सब जगह पर हम लिख लिख कर नहीं रखते और मैप को हम बहुत ज़्यादा नामों से भर नहीं देते कि ताकि हम कन्फ्यूज ना हो जाए. ओके, सो हियर द इंडेक्स इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ मैप. फोर्थ कॉम्पोनेंट इज कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स. सो मैप यूज अ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड साइंस एंड सिम्बॉल्स दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टू डिसिप्ट सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बॉल्स. कन्वेंशनल सिम्बॉल्स मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर सिम्बॉल्स यूज होते हैं एंड विच सिम्बॉल्स आर ऑलरेडी गिवन डाउन विच वी विल डिस्कस फर्दर. और इसे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है. सो दिस आर बीन एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, सो यू हैव टू रिमेंबर इट. दिस सिम्बॉल्स ऑल्सो एंश्योर
दैट अ मैप इज नॉट कंजेस्टेड एंड कंफ्यूजिंग. अब सब जगह पर लिख 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 करोगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा. सो सिंबल्स आप रख दोगे तो आपको पता होगा कि इसका सिंबल ये है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल इट बिकम्स वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैप. मैप को पढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव सिंबल्स, फिर हम डायरेक्शंस पर जाएंगे. यहाँ पर सारे सिंबल्स बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिंबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है स्ट्रीम, उसके बाद का है कैनाल, टाइडल रिवर, रिवर विद द आइलैंड एंड रिवर ऑफ रिवर, वेल दोनों वेल है, पहली वाली लाइंड है दूसरी वाली अनलाइंड है, स्प्रिंग, टैंक पेरिनियल है और टैंक ड्राई भी है, रिवर बेड विद द स्ट्रीम, रिवर बेड ड्राई. ये सारे मोस्ट प्रोबेबली वाटर फीचर्स है. दिस इज ट्यूब वेल, स्वैम, मशीनरी डैम, अर्दन डैम, ब्रोकन ग्राउंड, कॉजवे, रिलेटिव हाइट ऑफ द बैंक, रिवर बैंक एंड फॉल्स. हियर आर फॉर द रोड्स एंड रेलवेज. सो दिस आर द मेटालिक रोड्स, उसके बाद आते हैं अनमेटल रोड्स, पैक ट्रैक, कार ट्रैक, पैक ट्रैक एंड पास, फुटपाथ, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, लेवल क्रॉसिंग, रेलवे लाइंस विद स्टेशंस. एंड दिस आर द मिसेलियनियस, लाइक पीओ को कहते हैं पोस्ट ऑफिस, टीओ को कहते हैं टेलीग्राम ऑफिस, टेलीफोन लाइन का ये सिंबल है, पीटीओ का मतलब है पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, डीबी मतलब डाक बंगलो, आईबी मतलब इंस्पेक्शन बंगलो, आरएच मतलब रेस्ट हाउस, सीएच मतलब सर्किट हाउस, दिस इज द सिंबल फॉर डिस्पेंसरी, आरएफ मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट, पीएफ मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस इज द सिंबल फॉर लाइम और ब्रिक क्लीन, विलेज इनहैबिटेड, विलेज डेजर्ट्स एंड स्टोन वेस्ट. नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड विच इज डायरेक्शन. आप नोटिस करोगे कि हमारे पास मेन चार डायरेक्शन है कंपास के अंदर, विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो, न्यूज, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. दिस आर नोन एज एन कार्डिनल डायरेक्शन. ये जो मेन फोर डायरेक्शन है हम उसे कहेंगे कार्डिनल डायरेक्शन, और आप कह सकते हो कार्डिनल पॉइंट. द डायरेक्शन इन बिटवीन दिस, इनके बीच में जो डायरेक्शन आते हैं, आप एक चीज और एक नोटिस करोगे कि जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है उनके बीच की डायरेक्शन को इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं. तो जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ और साउथ से ही स्टार्ट होगी. इंटरमीडिएट डायरेक्शन का भी ईस्ट या वेस्ट से स्टार्ट नहीं होगी. अगर हम इस चीज को देखेंगे, सो दिस इज नॉर्थ, हियर इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो नॉर्थ और वेस्ट में आएगा नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में आएगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट में आएगा साउथ ईस्ट. सो दिस आर द डायरेक्शंस जिसके अंदर आपको पता चला विच आर द कार्डिनल डायरेक्शंस एंड विच आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, मतलब बीच की जो चार है NWS, WNESE, दे आर इंटरमीडिएट, NEWS आर कार्डिनल. मोस्ट मैप हैव अ नॉर्थ लाइन, मोस्ट प्रोबेबली सारे मैप के पास एक नॉर्थ लाइन होती है और वहां पर एक एरो किया जाता है जिस पर लिखा हुआ होता है N. द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस इज ऑलवेज टेकन विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ लाइन. किसी भी जगह पर आप डायरेक्शन लेते हो तो हम नॉर्थ को कंसिडर करके ही लेते हैं, और नॉर्थ लाइन जो है वो हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट द बाकी की तीन डायरेक्शन कहाँ पर है. नॉर्थ के ऑपोजिट होगी साउथ, नॉर्थ के लेफ्ट साइड होगी वेस्ट और राइट साइड होगी ईस्ट. अगर आप फिगर 15.4 को देखोगे, यू विल फाइंड आउट टूवर्ड्स विच डायरेक्शन टाउन बी लाइज. तो टाउन बी कौन सी डायरेक्शन पर लाई कर रहा है फ्रॉम द टाउन ए. इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. अगर आप टाउन ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि बी जो है टाउन बी वो उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, टाउन ए के नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. टाउन ए की नॉर्थ ईस्ट, आप समझ रहे हो, टाउन बी की नहीं. यहाँ पर होगा नॉर्थ, वेट आई विल शो यू, यहाँ पर होगा नॉर्थ और यहाँ पर होगा ईस्ट. ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टाउन बी है. ओके, यहाँ पर भी हमें दिखाई गई है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. अवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, और यू कैन से
that this is not the components, यहाँ पर हमारे components खत्म हो चुके हैं, and now we are starting with our last topic of this chapter, which is sketches and plans. So now, what are the sketch and what are the plans? Sketches and plans are the various other methods for using dissipating our surrounding. Each one have its advantage. सबके अपने अपने advantages हैं. Sketches can be drawn quickly to give a rough idea of the layout of the certain area to show the routes and location of the places. Sketch मतलब कि कोई एक specific figure नहीं होता, कि एक perfect figure नहीं होता, वो हम roughly draw करते हैं, just कि हमें idea आ जाए कि यहाँ पर आसपास क्या होगा, कैसे होगा, तो ये rough idea के लिए हमारा है. और जैसे ही ये rough है image और approximately draw किया जाता है, तो ये scale नहीं होती उसकी, एक मेजरमेंट लेकर नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को अपने घर इनवाइट कर रहे हो, तो आप अगर उसे एक रफ स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो कि देखो यहाँ से आप जाओगे तो सीधा जाना, वहाँ पर ये फोर चार रस्ते मिलेंगे, वहाँ से राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना, सो दैट इज रफ स्केच, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया है. ये विकास मार्ग है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल से, यहाँ से ऐसे जाना है, राइट लेफ्ट, सो दिस इज स्केच. परफेक्ट कुछ नहीं, बस रफली किया है. मूविंग टू द प्लांट्स, प्लांट जो है वो हमें एग्जैक्ट बताती है कि वो एरिया कैसा दिखेगा, और प्लांट जो है वो एकदम स्केल में ड्रॉ की जाती है, वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डायरेक्शंस, एक्चुअल प्लेसेस, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, सब चीजें हमें बताता है. देन दैट इज ओनली एंड ओनली प्लांट. दिस आर दी एक्यूरेट ड्रॉइंग्स, ये कैसी ड्रॉइंग्स है, दिस आर एक्यूरेट, और वो ज्यादा डिटेल्स दिखाती है स्मॉलर एरियाज की. आर्किटेक्ट्स या टाउन प्लानर्स है जो हमें प्लांट्स देते हैं अपने वर्क का, दे आर आई एम वेरी एक्यूरेट. अगर आप किसी भी घर का प्लान देखोगे, then it's really very accurate. क्या मैं पता चल जाता है कि इस घर में बेड यहाँ पर आएगा, वॉशरूम यहाँ पर होगा, रूम यहाँ पर होगा, टेम्पल यहाँ पर होगा, किचन यहाँ पर, लॉबी यहाँ पर, वॉश एरिया यहाँ पर, सो एवरीथिंग इज रियली वेरी मच एक्यूरेट. और फिगर 15.6 में हमें रीटा के बेडरूम का हमें एक प्लान दिया गया है. सो लेट्स हैव अ लुक कि रीटा के बेडरूम का प्लान क्या है. यहाँ पर आप अगर देखोगे ध्यान से, तो उन्होंने इंडेक्स भी बनाई है, ए फॉर अलमारी, बी फॉर बेड, सी फॉर चेयर, एम फॉर मिरर. डायरेक्शन भी हमें दिखाई है नॉर्थ की, अपर साइड. स्केल भी दिया है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि हाफ मीटर. T for study table, S for sofa, W for window and D for door. So अगर आप देखोगे तो उसके रूम का है, तो यहाँ पर W है मतलब यहाँ पर विंडो है, ये T है मतलब स्टडी टेबल, और चेयर ये क्या है, सोफा है हमारा, ये है हमारा बेड मीन्स रीटा का बेड, दिस इज मिरर, दिस इज अलमारी एंड दिस इज डोर, मतलब कि सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिख ली है. सो नाउ यू आई विल गिव यू वन वर्क कि आप लोगों को ऐसा ही अपने घर का एक प्लान बनाने की ट्राई करनी है. आई विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स इन योर ऑनलाइन क्लास, सो डोंट वरी, अभी आपको कुछ नहीं करना है. दिस मच फॉर नाउ, एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अवर एक्सरसाइज. सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेक योर सेल्फ फ्री टू आस्क. थैंक यू.